फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, मोहम्मद शमी को गले लगाकर बढ़ाया हौसला। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ीबल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 140 करोड़ लोगों का सपना तोड़ा और छठी बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद ट्रेसिव हेड अकेले दम पर भारत से जीत दूर लेकर गए। भारत की हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इमोशनल देखा गया। खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक कदम से चूकने के बाद कभी खिलाड़ी काफी मायूस दिख रहे थे। रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज को मैदान पर ही रो पड़े। फाइनल मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में पीएम मोदी भी मौजूद थे। वह मैच के बाद निराश खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम में आ पहुंचे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को गले लगाया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। शमी ने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और उन्होंने पीएम को ड्रेसिंग रूम में आकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहा। शमी ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, दुर्भाग्यवश कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लोगों के ढेरों कमेंट सामने आ रहे थे। एक ने लिखा, आप पर गर्व है शमी भाई, हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। एक ने लिखा, अपना सिर ऊंचा रखें चैंपियन, आपने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया है। एक ने लिखा, एक सच्चा नेता जो हर स्थिति में हमेशा खड़ा रहता है और अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट पर करते हुए लिखा, प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गर्व दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और फॉलो करिए न्यूज़ीबल। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ीबल यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ीबल ऐप।